राइट, हाय एवरीवन, बड़े ढीले ढाले बोल रहे हो। हाय एवरीवन, अब सही है, अभी संस्कृत की क्लास थोड़ी है, बोरिंग, खुश रहो, मजे करेंगे। राइट, मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। माय नेम इज सिद्धार्थ मेहंदीकता, आई एम 38 ईयर्स ओल्ड, राइट, एंड आई एम मैरिड, आई हैव टू लवली किड्स, आई वॉज बॉर्न इन जर्मनी, ब्रॉट अप हेयर, और मैंने स्कूलिंग अपनी डीएवी स्कूल से की है, सेक्टर 14 से। कॉलेज मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है अपना। आई डिड माई एमबीए इन 2002। आई स्टार्टेड माई ओन प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी बाय द नेम ऑफ बर्लिना फ्लेक्स प्रिंटर्स, फरीदाबाद में ही है, राइट। तो अच्छा, एक बात बताओ, तुम पढ़ाई तो कर ही रहे हो सारे, किन किन को लगता है कि जितना कॉन्फिडेंस उनमें होना चाहिए वो नहीं है, या बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल ईमानदारी से बता सकते हो? बस ओ हाँ हाँ, करो करो, राइट, गुड। तो एक गुड न्यूज है तुम सबके लिए कि इस क्लास के बाद में ना, पहला कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट, और दूसरा प्रॉमिस कर रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। मेरी लाइफ का लोएस्ट पॉइंट था 4 साल पहले, व्हेन माय मदर डाइड ड्यू टू कैंसर, और उस टाइम पे आई वाज अ स्मोकर देन, राइट। तो मुझे लगा था कि यार मेरी मदर कैंसर से डेथ हुई है, रियली आई शुड गिव अप स्मोकिंग। तो मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ अ डायरेक्टर, हम दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा करते हैं कि एक कि मैं अपना स्मोकिंग छोड़ूं, एंड दूसरा कि दूसरों को छुड़वाएं। तो मी माय सन एंड डैड मैन, हमने वीडियो बनाई एक नॉन स्मोकिंग के ऊपर, एंड वो बहुत वायरल हुई। हमको है कंपनी, कैंसर ट्रीट करती है 8-9 देशों में, मेरा दोस्त उससे मिला, वो कंपनी को बहुत अच्छी लगी वीडियो, वो उन्होंने अपनी वेबसाइट में डाली, और 5 लाख से ऊपर लोगों ने देखा उस वीडियो को। एंड ये मैं हूँ, ये मेरे बारे में है। पहले मैं अपनी छोटी सी अपनी एक स्टोरी बताता हूँ तुम्हें, और ना वहाँ से रिलेट कर पाओगे तो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ सब कुछ, राइट। तो आई वॉज इन क्लास 9th, ऑलमोस्ट एज सेम एज ग्रुप ऑफ योर्स, राइट। आई वॉज वेरी थिन एंड यू नो वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस, एंड यही सब था मेरी लाइफ में। तो उस टाइम पे ना लोग मुझे बोलते थे सिकड़ी, चढ़ाते ना लोग सिकड़ी पहलवान ऐसे करके चढ़ाते, और भी कुछ बोलते रहते थे, तो बहुत बुरा लगता था मुझे, और यू नो आई वॉज रियली लो ऑन कॉन्फिडेंस, राइट। एंड यही चलता रहा मेरे साथ में ना बहुत टाइम तक चलता रहा, मैं दिखाता नहीं था, लेकिन बहुत बुरा सा लगता था मेरे को अंदर से। आई यूज टू बी वेरी शाय, और जब कॉन्फिडेंस की तुम्हारी कोई मारता है ना, तो वो इतनी बच जाती है तुम्हारी कि हर चीज में तुम्हारी ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, तो वही मेरे साथ था। तो आई वॉज वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस, लोग मुझे बोलते रहते थे सिकड़ी पहलवान, यू आर वेरी थिन, यू आर नॉट गुड लुकिंग, ये वो कुछ भी जो भी था, एंड इट वुड यू यूज टू डिस्टर्ब मी अ लॉट। मैं बोलता नहीं था, ऐसे ठीक दिखाता था कि मैं बहुत ठीक हूँ, लेकिन आई वॉज वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस। मेरा एक दोस्त था सरदार, वो हमेशा यू नो ही यूज्ड ऑलवेज बी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, जबकि उसको बोलते थे सारे जूरी सरदार 12 बज गए, जैसे जैसे बुली करते हैं स्कूल में, राइट। तो मुझे लगता था यार ये हमेशा खुश क्यों रहता है और मैं दुखी रहता हूँ, वो उसको इतना परेशान करते हैं लोग, वो भी फिर भी खुशी रहता है, मैं जो है हमेशा दुखी दुखी सा रहता हूँ। तो यार मैंने उससे पूछा, यार एक बात बता, ये ऐसा क्यों है कि तू इतना खुश कैसे रहता है? तो उसने मुझे बोला कि यार ऐसा है, मैं भी ऐसे दुखी रहता था बहुत, एंड आई यूज टू कर्ज माई सेल्फ बींग सिक, एंड नाउ आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं कहा क्या हो गया, ऐसे शिफ्ट क्यों हुआ? तो कहते हैं मैंने ना अपने फादर से बात की इस बारे में, एंड माई फादर टोल्ड मी दैट बी अ प्राउड सिख, कुछ नहीं होता यार, उनको ना बोलने दे, रिएक्ट मत कर तू कुछ भी। एंड मुझे उसकी बात ना कुछ समझ में आई, दैट मोमेंट ना मुझे मेरे में ना बहुत कुछ लाया मेरे अंदर। एंड 9th की छुट्टियों के बाद में, जब वेकेशंस के बाद में मैं 10th क्लास में गया, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम ट्रीटमेंट बाय द सेम गाइस। तो मेरे को अभी तक अच्छी तरह से याद है, वो कॉर्नर में ऐसे सारे बैठे हुए थे लड़के, और मैं जाता हूँ 10th में एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग्स अगेन। आई वेंट देयर एंड आई सेड हाय एवरीवन, उन्होंने बोला हाय, आई वेलकम सिकड़ी पहलवान इज बैक अगेन। तो उनको लगा यार ये इसने खुद कैसे बोला, ये तो यार हम बोलते हैं और ये इसने आज बोल दिया, क्यों भाई क्या हो गया?
एंड यू नो वो एक दिन था राइट कि मेरी लाइफ में इतना शिफ्ट आया कि जो मेरे को वो बोलते थे और वो बोलना बंद कर दिया और मेरे पे वो इम्पैक्ट धीरे 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 मानोगे मैक्सिमम 2 महीने बंद हो गया। तो मैंने एक इतने शिफ्ट किया कि यार एक चीज मैंने उस दिन लेसन किया कि ना रिएक्ट करना नहीं चाहिए। अब तुम्हारे जैसे तुम्हारी एज ग्रुप है राइट, तुम्हारे लिए भी ऐसी बहुत बार ही होता होगा कि बोलते होंगे नेबर्स बोलते होंगे दोस्त बोलते होंगे या तुमसे नहीं होगा नलायक है तू पढ़ाई में तू स्पोर्ट्स में बेकार है तू लड़की से बात नहीं कर सकता तू लड़के से बात नहीं कर सकता तू ये है फलाना ढिमकाना। एंड बिलीव मी आई नो एट दिस एज कुछ ना कुछ चलता ही रहता होगा राइट। तो अगर तुम रिएक्ट नहीं करोगे ना पहली बात तो नहीं होगा आई बिलीव मी। वो मैंने एग्जाम्पल दिया था अपने सिगड़ी पहलवान का, तुम्हारे लिए वो किसी भी एग्जाम्पल में हो सकता है। कोई तुम्हारे फैमिली में कुछ बोलता है, मम्मी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं, कुछ भी है, डोंट रिएक्ट राइट। और ना यार एक बात पक्की है 100% पक्की कि हर बंदा ना कुछ अपनी लाइफ में कर ही लेता है, कुछ ना कुछ उसकी डेस्टिनी में होता ही होता है। मतलब मेरे जैसा यूजलेस गाय 9th क्लास में आई थॉट दैट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, एंड नाउ आई सी आई एम रनिंग अ ग्रेट बिजनेस, ग्रेट फ्रेंड्स, सब कुछ है मेरे लाइफ में, सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ है सबके लिए। मेरे को कभी नहीं बोला था कि 5 लाख लोग मेरी वीडियो देख लेंगे, मतलब नेवर एक्सपेक्टेड दीज थिंग्स राइट। तो ना कभी तो अपने अंदर का वो है ना उसको निकाल दो पहले, सबसे पहले कॉन्फिडेंस के लिए कि मैं लाइफ ना कुछ ना कुछ कर लूंगा, एक कर ही लोगे तुम 100% इसको कोई रोक नहीं सकता। तो बी यू नो वेरी क्लियर अबाउट दैट राइट। अब आगे चलते हैं कॉन्फिडेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं आज राइट, एंड अभी बिल्ड करेंगे कैसे कैसे, तुम्हें समझ में आएगा कैसे कैसे। तो कॉन्फिडेंस ना पहले एक चीज समझो कि कॉन्फिडेंस ना यार सबसे सेक्सी ट्रेट है कॉन्फिडेंस। यू कैन बी गुड लुकिंग बट इफ यू आर लो इन कॉन्फिडेंस तो बकवास है राइट। मतलब किसी को सोचो कि कोई बहुत बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर लड़का है, बहुत सुंदर लड़की है, और उसकी 4 लोगों के सामने ऐसा मतलब राइट कोई उसका फायदा नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट सेक्सी स्टेट एंड हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट का ना यार हम पहले भी बात कोई ना कोई कभी करते रहते हैं, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है ना जो क्रिएट होती है। कभी भी कोई बंदा पैदा हुआ कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता, यू नीड टू क्रिएट इट। अब क्रिएशन के बारे में कैसे हो, क्रिएट कैसे करेंगे हम उसके बारे में बात करते हैं राइट। क्रिएट कॉन्फिडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, बॉडी और माइंड का स्टेट है कॉन्फिडेंस। कैसे माइंड बॉडी के लिए, कैसे बॉडी के लिए डू एवरीडे डू एक्सरसाइज, वो तुम्हारी जो बॉडी है ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू फील गुड अबाउट इट। ये मैं जो बोलूंगा ना बातें बहुत कई चीजों में तो चीजें लगेंगी यार बहुत छोटी छोटी हैं यार ये क्या, बट ये चीजें जो है यही बिल्ड करोगे ना छोटी छोटी चीजें एंड यू विल सी रिमार्केबल चेंजेस इन योर लाइफ, रिमार्केबल। बॉडी के लिए एक्सरसाइज डेली, कितना भी टेक इट टाइम। पढ़ाई के लिए तुम 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे निकालते हो कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा एक्सरसाइज करो ही करो, कर दो आधे घंटे कम कर दो, मार्क्स कम आने तो कोई दिक्कत नहीं। अरे क्या फायदा कोई मार्क्स में 90-95% लाने का और तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जैसे कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन देख लो यू नो जो कि देखे भी ना बोल नहीं सकते हैं, कितने हैं ऐसे जो कितने अमीर लोग हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो टेक टाइम फॉर योर बॉडी राइट। माइंड के लिए, माइंड को कैसे ट्रेन करना है, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोटिवेशनल वीडियोस इन यूट्यूब। कुछ ना कुछ किसी ना किसी वीडियो से ना सीखोगे ही सीखोगे, ट्रस्ट मी बहुत सारी। और सबसे अच्छा तरीका पता क्या है जो मैं यूज करता हूँ, सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, ब्लूटूथ लगाया, कोई मोटिवेशनल वीडियो के दोनों काम इकट्ठे हो गए, एक्सरसाइज भी कर ली एंड यू नो वीडियो भी देख ली, कुछ सीखने को भी मिलता है, अच्छा भी लगता है, तो वो सब कर सकते हो। तीसरा, एलिमिनेट नेगेटिव पीपल। अपनी जिंदगी में जितने नेगेटिव पीपल है उसको एलिमिनेट कर दो, चाहे वो छोकरी हो, चाहे वो नौकरी हो, कुछ भी हो, एलिमिनेट देम। और चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदारी क्यों ना हो, डोंट गिव अ फक, डिलीट देम, अपनी लाइफ से खत्म कर दो उनको। अगर कॉन्फिडेंट रहना है ना तो पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो, नेगेटिव के लोगों के बीच में रहोगे तो कभी भी नहीं बढ़ पाओगे, खींचते हैं लोग हमेशा के ऐसे। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
बॉडी मूवमेंट्स. अब बॉडी मूवमेंट्स से क्या मतलब है मेरा? बॉडी मूवमेंट से मतलब है, एक तो ना देख, तुम कभी देखते होगे कि ना स्लगिश, मतलब अपने अपने जो बॉडी, जैसे चेस्ट है ये पार्ट है ना, इसको ऐसे रखना चाहिए, बिल्कुल ऐसे. डोंट बी स्लगिश, ऐसे झुका के चला, ये ऐसा बंद कर दो. जैसे तुम चलते हो ना वैसे ही तुम्हारा रिजल्ट है. एवरी इमोशन इज ड्यू टू इमोशन. जैसा तुम्हारा मोशन है वैसा इमोशन है. एग्जाम्पल दूं, देखो तुम किसी की डेथ में गए, राइट, और चाहे तुम्हें फर्क नहीं भी पड़ता यार, मतलब मर भी गया कोई बात नहीं, मतलब तुम्हें कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम चले गए क्योंकि तुम्हें जाना है, और तुम वहां चले गए, उनकी डेथ में चले गए, और वहां पे जाओगे तो कैसे करोगे? अब ऐसे तो हंस हंस के तो नहीं जाते, तो ऐसे करते हम अपने कंधे झुका लेते हैं, बहुत बुरा हुआ, एंड ऐसे करते हो ना, बहुत बुरा हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, नाटक करते हो, चाहे तुम कहते अच्छा हुआ साला बुड्ढा मर गया, राइट, साला अच्छा निकल गया, साला ये तो बहुत घटिया आदमी था, हमें खेलने नहीं देता था गली में, कुछ भी था, राइट. लेकिन ऐसे दिखाते हो जैसे तुम्हें बड़ा अफसोस हो रहा है. तो उस टाइम पे तुमने क्या किया, अपने जो मोशन से वो तुमने स्लगिश, बॉडी लैंग्वेज अपनी लो कर ली. अब कोई डेथ में तुम्हें कोई चीज ऐसे बोले तो तुमसे होगी नहीं, जो तुम कोई जो एक्साइट करती है, राइट, क्योंकि उस वक्त में तुम अपने मोशंस बिल्कुल कमजोर किए हुए हैं, तुमने अपने मोशंस स्लगिश बॉडी लैंग्वेज की हुई है, ऐसे धीरे धीरे बोल रहे हो, परेशान से दिख रहे हो, तो उसमें तुम कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, राइट. तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि अपना जो मोशन है उसको ठीक रखो, अपना जो चलने का तरीका है, सबसे पहले जब तुम्हें आदत पड़ेगी ना एक तरह से चलने की, तो तुम्हें आदत उसी तरह से चलनी पड़ जाएगी, उसी का ही रिजल्ट तुम्हें मिलना चालू हो जाएगा. हमेशा कभी भी स्लगिश बॉडी लैंग्वेज मत रखो, कभी भी आदत डाल लो एक तरह से चलने के लिए, एक तरह से चलने के लिए. जैसे जैसे बॉडी बिल्डर टाइप चलते हैं ना, ऐसा नहीं कि इतना करके, बट बी अपराइट, अपराइट चलो, अपराइट चलो, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी रखो. जैसे तुम चलते रहोगे वो, जैसे तुम डेली करते जाओगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे ही बनेगा, राइट. अच्छा मैं तुम्हें भी एक एग्जांपल देता हूँ, जगह बहुत कम है लेकिन फिर भी यहाँ पे खड़े हो सकते हैं सारे, एक मिनट खड़े होते हैं सारे सारे, राइट. एंड दो दो का पेयर बना लो, ये दो ऐसे, ठीक है, तुम दो ऐसे और तुम दो ऐसे, राइट. तो अब क्या करना है, एक दूसरे से खाली हाथ मिलाना है, और हाथ मिलाना कैसे है, ऐसे नहीं जैसे मनुष्यों की तरह मिलाते हो, ऐसे नहीं, हाथ मिलाना है बिल्कुल ऐसे करके, टाइट करके, जैसे ऐसे, हाँ ऐसे, और एक दूसरे से मिलाओ और करो, राइट, मिलाओ, ढंग से मिलाओ, टाइट मिलाओ, राइट. कुछ फील हुआ तुम्हारे में, एनर्जी, एनर्जी फील हुई, एक एनर्जी है ये. एंड ये तुम्हारे, ये चीज जो है ना, ये देखिए छोटा सा स्टेप है, बट ये कितना तुम्हें पॉजिटिविटी देगा लाइफ में. ये ऐसे, ही कैन फील माय वाइब्स, आई कैन फील हिज वाइब्स. ये जो एनर्जी है ना, ये कॉन्फिडेंस के ऊपर है, ये है कॉन्फिडेंस, मेन कॉन्फिडेंस. अब टेनिस में नडाल को देखा, किसे, नडाल, नडाल, कोहली, यार उनके तुम बॉडी मूवमेंट्स देखते हो, aren't they different from others? The way just they move around, they look so different from other players. इसे बोलते हैं स्टेट, अपने एक स्टेट, पीक स्टेट. पीक स्टेट का मतलब क्या होता है? A state where you are ready and you are positive and you feel that you can conquer the world. वो होता है पीक स्टेट. हमेशा पीक स्टेट में रहना है. अगर तुम आज इसमें बैठे हुए से खाली मुझसे ये चीज ले जाओ ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम 20 साल बाद भी मुझे याद रखोगे कि तुम्हारी लाइफ में इतना फर्क पड़ा है कि किसी ने तुम्हें खाली बॉडी लैंग्वेज इतनी छोटी सी चीज बोली है, और तुम, यू विल सी डेज एंड डेज, वीक्स एंड वीक्स, मंथ्स एंड मंथ्स, यू चेंजिंग कंप्लीटली, यू बीइंग इन अ पीक स्टेट
and you are overcoming more difficulties and you are feeling confident, you are doing all your stuffs, सब मजा आ रहा है, लाइफ बढ़िया चल रही है, चल इससे अच्छी चीज क्या चाहिए? मतलब परेशानियां तो चली रही हैं, वो तो वैसे भी चलेंगी। मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार इंसान होना सबसे ज्यादा अच्छी बात है यार। मतलब तुम गधे भी पैदा हो सकते थे, घोड़े भी पैदा हो सकते थे, मतलब कम से कम जिंदगी को जियो तो सही। जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही है यार। व्हाई यू थिंकिंग अबाउट इट यार, तुम्हें एक लाइफ मिली है। यू आर ब्लेस्ड टू बी इन अ मैनहुड, यू आर ब्लेस्ड कि यू कैन सी डिफरेंट प्लेसेस, यू आर ब्लेस्ड कि तुम्हें इतने सारे इमोशंस हैं, यू ब्लेस्ड यू हैव अ फैमिली, यू हैव, ये अपनी ब्लेसिंग इतनी सारी है ना कि ये जो चीजें हैं जिसके लिए हम चीं चीं चू 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 पूरा दिन करते रहते हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। तो अपनी लाइफ में बी एनर्जेटिक, बी ऑलवेज इन पीक स्टेट। मैं अपनी पीक स्टेट अपने हिसाब से लाया हूँ, तुम अपनी पीक स्टेट अपने हिसाब से लेके आओ। स्पोर्ट्समैन डू इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई मैच, इंपॉर्टेंट मैच होता है, टेनिस का मैच है, विंबलडन फाइनल, दे नीड टू बी एट अ स्पेस वेयर दे कैन बी लाइक आई विल जस्ट फाड़ दूंगा। उस स्टेट में रहो हमेशा। काश मुझे 15 साल पहले, 20 साल पहले मैं वहां पे होता, कोई मुझे ये बता रहा होता जो मुझे अब पता लगा है। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मतलब मैं आई कैन शेयर सो मेनी इंसिडेंट्स वन टू वन कि यू नो अब मेरे को रोना आ जाएगा कि यार मैंने उस मोमेंट में ऐसा नहीं किया क्योंकि आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। काश मैंने ये किया होता तो मेरी लाइफ में ये चेंज होता, काश ये क्या होता ये चेंज होता। बी इन अ पीक स्टेट ऑलवेज, ऑलवेज जैसे यस कि मैं फाड़ दूंगा। और जब बोलोगे ना तो कर भी दोगे। कंपेरिजन, कंपेरिजन मत करो किसी का किसी के साथ में। हमारी पूरी जिंदगी छोटे से लेके बड़े तक कंपैरिजन में लाइफ बीत जाती है। उसके पास ये गैजेट्स हैं, उसके पास ये कपड़े हैं, उसके पास ये है, वो देखने में अच्छा है, उसके पास में पैसा है, उसके पास ये है, उसकी अच्छी गर्लफ्रेंड है, मेरी ये है। सीरियसली लाइफ में कंपैरिजन हम जब करते हैं तो सबको ना सबका अच्छा अच्छा दिखता है। कभी पीछे से उसके पीछे में उसकी जिंदगी क्या चल रही है वो किसी को नहीं पता। उसको ये दिख रहा है कि यार ये अच्छा है, ये कंपेयर कर रहे हो, बट सीरियसली ना उसके अंदर जो दिक्कतें चल रही है ना यार वो किसी को नहीं पता। कोई फायदा नहीं कंपैरिजन। बी योर ओन आइडेंटिटी। कंपैरिजन लीड्स टू लॉस इन कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो हम कंपेयर करते हैं तो जहां हम अच्छे हैं ना वो तो नहीं हम लेते, लेकिन जहां नीचे है ना वो जरूर कंपेयर करते हैं। कंपेरिजन में हमेशा देर इज लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, नो नीड टू डू इट। सेलिब्रेट योर लाइफ, सेलिब्रेट करो छोटी छोटी चीजों को। सेलिब्रेट इन द सेंस बी प्राउड ऑफ हु यू आर, यार ये मैंने चीज की है। इट विल अगेन गिव यू अ गुड फीलिंग, इट विल लीड टू कॉन्फिडेंस, राइट। और जो चीज है, क्लोथ्स एंड स्मेल, प्लीज प्लीज फटे हुए कपड़े मत पहनो, फटे हुए अंडरगारमेंट्स, फटे हुए सॉक्स प्लीज मत पहनो। इट ऑलवेज लीड्स टू लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। ये चीज बंद कर दो भगवान के लिए। तुम्हें ऐसा होता है ना बचपन में, ऐसा होता है मेरे साथ भी हुआ है कि यार सॉक्स फटी हुई है तो कौन देखेगा, तो पहन लेते हैं क्या होगा। बट ना अंदर तुम्हें पता होता है, जैसे लड़कियों को देखो, लड़कियों का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक नया कपड़ा ले लें वो पहन के आ जाए तो बस ये तो इनको ऐसा लगता है बस आज तो हमसे बात मत करो, आज तो हमसे बात मत करो, दूर हो जाओ, चल भाई चल, मैं बात नहीं कर रही। उनको अंदर से इतना अच्छा लगता है, अरे यार मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं तुझसे बात करूं, तुझसे चल नहीं है ना, मैं तुझसे बात करूंगी। अबे तू है कौन, अपनी शक्ल देख क्या। वो बंदा कहता है, दोस्त को बोलता है, यार कल तक तो वो ठीक थी यार, आज क्या हो गया उसको, कल तक तो ये लाइन दे रही थी मुझे और आज तो ये आज तो ये मुझसे बात ही नहीं करी। ओ भाई उसने नए कपड़े पहने हैं भाई, राइट। चौथा जो एक चीज है कि लर्न न्यू स्किल्स या चैलेंजेस दो। अब ये कैसे है मैं बताता हूँ कैसे। मैंने अपने आप को चैलेंज दिया
तीन साल पहले कि मैं 21 दिन में 21 किलोमीटर की मैराथन करूंगा. तो क्या हुआ, इट गेव मी अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, अ सेंस ऑफ फेथ, अ सेंस ऑफ प्राइड. मैं कुछ कर सकता हूँ, आई एम गुड. अरे जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ उसके अलावा ये मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ. आफ्टर 10 डेज मुझ में कॉन्फिडेंस वॉज समवेयर एल्स, आई वॉज समवन एल्स, क्योंकि वो अगेन मैंने कुछ अकम्पलिश किया मैंने लाइफ में, राइट. तो इट गिव्स यू इमेंस 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 सेटिस्फेक्शन. तो ये चीज यू नो यू कैन डू छोटी छोटी चीजें, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, लर्न एनी, यू कैन लर्न एनी न्यू स्किल. तो ये इट ऑलवेज हेल्प्स यू. और जो कॉन्फिडेंस में आता है हेल्पिंग अदर्स, ये अब लगेगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़ी अजीब सी है हेल्पिंग अदर्स, बता. बट ये यू नो इट हेल्प्स यू. इट रिसर्च शोज कि जब तुम दूसरे को हेल्प करते हो तो एक हार्मोन निकलता है तुम्हारे, जो डोपामिन जिसे कहते हैं. तो इट ऑलवेज यू नो हेल्प्स यू, राइट. अपनी स्पेस में कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है. यू नीड अ स्पेस जहाँ पे यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ, यू आर वेरी कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, यू मजा आ रहा है अपने साथ में, बहुत अच्छा फील हो रहा है. तो ये चीज़ें ना हेल्प करती हैं. इक्वल मेंटेलिटी क्या है, इक्वल मेंटेलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि एक टाइम था इंडिया जो था ना, जब इंडिया मैच खेलता था ऑस्ट्रेलिया से, तो देर दधनधन हारता था. जब ऑस्ट्रेलिया की टीम में, मुझे नहीं पता कितने लोग देखते हैं, कितने लोगों को पता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में पॉन्टिंग होता था, स्टीव वॉ होता था, मैग्राथ होता था, शेन वॉन होता था, गिलेस्पी होता था, गिलक्रिस्ट होता था, डेमियन मार्टिन होता था, साइमंड्स होता था. ये एक टीम थी ऑस्ट्रेलिया की. इंडिया को ना उसने लेफ्ट राइट सेंटर पेल पेल के हराया है. मतलब इंडिया एक वो टेस्ट सीरीज जीती थी जो हरभजन ने विकेट लिए थे, जिसमें ईडन गार्डन वाली एक सीरीज थी, 3 मैच सीरीज की, जो इंडिया ने जीती थी, फॉलो ऑन के बाद में इंडिया जीती थी. मतलब अगर उसको छोड़ दो ना, तो ऑस्ट्रेलिया ने दबा दबा के इंडिया को पेला है उस एरिया में. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना वो जो प्लेयर्स थे ना यार, वो ग्राउंड में जाने से पहले ही हार जाते थे. उनके लिए था हमेशा ऑस्ट्रेलिया इज अ बेटर टीम देन अस, ऑस्ट्रेलिया हमसे बढ़िया टीम है, हम इनको नहीं हरा सकते. 2003 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2003 का भी वर्ल्ड कप था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, गांगुली कैप्टन था, उधर रिकी पॉइंटिंग कैप्टन था. मतलब पता है वो उस गेम में ना यार, आई वॉच इट वेरी क्लोजली, अगर तुम यूट्यूब में देखोगे देखोगे, मतलब इंडिया पूरा वर्ल्ड कप अच्छा खेली थी. लीग मैचेस में एक बार ही ऑस्ट्रेलिया से हारी थी बहुत बुरी तरह से, शायद वो इंडिया का पहला या दूसरा मैच था. फिर इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक किया था, इंग्लैंड को हराया था, बहुत अच्छी टीमों को हराया था, पाकिस्तान को भी हराया था, इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा. एंड उनको दिमाग में बस ये था कि दे लॉस्ट बिफोर गोइंग इन द ग्राउंड. मतलब बहुत बुरी तरह से पेला था इंडिया, उन्होंने रिकी पॉन्टिंग ने बहुत स्कोर बनाया था. मतलब ये जब तुम्हारी इक्वल मेंटेलिटी नहीं है ना यार, तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो. कंपेयर भी कर रहे हो यहाँ नहीं, इक्वल मेंटेलिटी रखो अपनी, कुछ नहीं होने वाला. जस्ट अपना मेंटल, आप बताए बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स होंगे, प्रोफेशनल खेलते होंगे, हर प्लेयर से जीतते होंगे, बट कोई एक आधा प्लेयर आ जाता है और उससे हार जाते हैं, चाहे वो प्लेयर रैंकिंग में उससे पीछे भी हो. लेकिन एक मेंटेलिटी होती है यार कि उस प्लेयर ने उसको कभी हराया होता है जूनियर लेवल में, कब होता है, और वो उसका ना ब्लॉक बन जाता है, और वहाँ पे आप हारते रहते हो. तो ये स्पोर्ट्स का एग्जांपल, बट रियल लाइफ में भी ना इसको तुम देखो कि कहाँ पे तुम अपनी लाइफ में, जहाँ पे तुम इक्वल मेंटेलिटी की वजह से हार रहे हो. एक है और रिवर्स विजुअलाइजेशन. रिवर्स विजुअलाइजेशन का मतलब यह है, देखो स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स तो खेलते ही हैं सारे लड़के, राइट, और शायद कुछ अच्छे अच्छे भी टीम्स में होंगे. या जो रिवर्स विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, जब आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, तो अगर आप सपोज बहुत अच्छे एथलीट हो, तो आप, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ उसका, आगे देखना क्या है, समझ में आएगी बात क्या है. आप एक स्टेडियम में खेल रहे हो और आप सपोज फुटबॉल खेल रहे हो, तो आप दो चीज़ों तरीके से देखते हो. एक तो मैं फुटबॉल मेरा है, मैं इसमें मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, बहुत ज़बरदस्त खेलूंगा मैं, फाड़ दूंगा ये वो. लेकिन ना वहाँ पे फिर डर आता है कि सोचता बंदा कि यार स्टेडियम भरा हुआ है, लोग ही लोग हैं, मेरा नाम बुला रहे हैं, और मेरे पास किक आएगी और मैं किक मारूंगा तो मेरे से छूट जाए तो कंप्लीटली फाइन,
रिवर्स विजुअलाइजेशन मतलब अगर तुमने किक छोड़ दी गोल में मान गए, इट्स कंप्लीटली फाइन। तुम्हारे लाइफ में बहुत गोल जाएंगे मारने के लिए, इट्स कंप्लीटली फाइन। कोई एक आधा तुम्हारा गोल रह भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ है बहुत बढ़िया, ये तो फुटबॉल का मैच है, बहुत चांसेस मिलेंगे तुम्हें, पूरी लाइफ है तुम्हारे सामने। एक गोल मिस हो गया कोई बात नहीं, फाइन, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स कंप्लीटली फाइन। तुम्हारे कोई पेपर्स रह गए, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स विजुअलाइजेशन, अगर मैं इसमें फेल हो गया कोई बात नहीं, मेरे नंबर कम आ गए कोई बात नहीं, रिवर्स विजुअलाइजेशन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। माइकल जॉर्डन जो है वो क्या बोलता है, He has lost more than 300 times. वो 300 गेम्स से ऊपर हार चुका है, 9000 से ऊपर ना उसने मतलब गोल उसने मिसेस किए अपने 9000 से ऊपर। 26 टाइम उनको उसको ऐसा मौका मिला माइकल जॉर्डन को कि टीम एक स्टेक पे थी जीतने की और उसने गोल मारा वो मिस हो गया 26 टाइम, कि पूरी टीम देख रही है, पूरे सपोर्टर्स देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं और वो करता है करता है करता है और वो फेंक रहा है मिस 26 टाइम। ही हैज फेल्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन माय लाइफ इन हिज लाइफ बट ही सक्सेसफुल। मैंने अपने पता है वॉशरूम में पोस्टर बनाया हुआ ये वाला वॉशरूम में कि हर रोज मुझे ये दिखे एंड इट रियली हेल्प्स कि एक बंदा जो इतना सक्सेसफुल है वो ये बोल रहा है कि मैं इतनी बार हारा हूं इतनी बार हारा हूं इतनी बार हारा हूं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बी ओके अबाउट इट। पेपर्स है तुम्हारे, बोर्ड एग्जाम्स है, आई नो बोर्ड एग्जाम्स है, बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर, बहुत प्रेशर है, परेशान हो, पढ़ रहे हो, पागलों की तक कर रहे हो, चिल, इट्स ओके, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिलीव मी कुछ नहीं होगा। इससे रिलेटेड अब मैं बात कर रहा था हूं, वट यू से टू योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड वी आर वाइंडिंग इट अप इन 10-15 मिनट्स, सो मेरे साथ रहना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये ना वट यू से टू योर सेल्फ। देखो मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, जैसे कोई बोलता है मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, वो बोलता है मैं निकारा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फेल हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी फैमिली ने सब कुछ किया, मेरे बाप आपने पढ़ा, मेरे भाई बहन बहुत होशियार निकले, बट मैं बहुत परेशान हूं, मैं फेलियर हूं, मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में। ये वो जो बोलता है बोलता है बोलता है बोलता है बोलता है वो सच हो जाता है बात। सुसाइड्स क्यों होते हैं समझना एक मिनट प्लीज, बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू गाइस, यू इस एज में हो ना इस बात को समझना, सबसे ज्यादा सुसाइड स्टूडेंट्स करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मैं बेकार हूं, मेरे नंबर्स अच्छे नहीं आए, मैं बेकार हूं, मैं बेकार हूं, मैं बेकार हूं। तुम इतना अपने आप को बेकार बेकार बोलते हो ना यार, पहली दुनिया तुम्हें बेकार बोल रही है, दुनिया में इतने लोग हैं जो बोलते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बेकार हो, तुम नालायक हो, और तुम अपने आप को भी ये बोल रहे हो कि मैं नालायक हूं, मैं बेकार हूं, मैं नालायक हूं, मुझसे नहीं होगा। जो जो सुसाइड करता है ना बंदा, वो इतना परेशान हो जाता है अपने आप से बोल बोल के कि उसको वो सच दिखता है, मैं बेकार हूँ, उससे नहीं हो पाएगा, मैं नालायक हूँ, मैं फेल हो गया हूँ, मैं ज़िंदगी में क्या कर लूँगा, क्या उखाड़ लूँगा, मैं गया, और वो मर जाता है। इट्स इनसेन कि पीपल, बच्चे आईआईटी के बच्चे मर जाते हैं। आईआईटी का मतलब बताया, मतलब मेरे जैसा कभी आईआईटी के दरवाजे में भी नहीं जा सकता, और वो आईआईटी मतलब वो इतने इंटेलिजेंट बंदे होंगे जो आईआईटी कर रहे हैं और वो मर जाते हैं, सुसाइड कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ बिलीफ कैसा है, वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं, मैं फेलियर हूं, मैं नहीं हो पाएगा, मैं नालायक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। स्टॉप दिस गाइस प्लीज, स्टॉप इट यार, लाइफ इज, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइव्स हियर। क्यों? कि मेरा पेपर गंदा हो गया, सीरियसली यार, इतनी लाइफ है ना यार गाइज, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि दिस लाइफ इज वंडरफुल, राइट, इट लाइफ ये इतनी अच्छी है ना यार कि यार हमें पता भी नहीं कि हमें लाइफ दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी, एंड आई एम नॉट बीइंग कोई बाबा टाइप, बट मैं तुम्हें सही बोल रहा हूँ, हु नोज कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे यार, अगले जन्म में इंसान बनेंगे भी नहीं कि बनेंगे,
और पता नहीं गधा बनेंगे क्या, मतलब सीरियसली यू नीड टू एंजॉय दिस लाइफ, यू कैन नॉट वेस्ट योर लाइफ बिकॉज ऑफ फकिंग पेपर यार, एक पेपर नहीं हुआ अच्छा इसलिए यू किल योरसेल्फ, यू गो इन डिप्रेशन, 10th, 11th, 12th, first year students, IIT students, those students, doctorate कर रहे हैं, वो depression में चले जाते हैं यार, उनको 5-5, 10-10 साल कोई अपनी हाथ काट लेता है, there are so many cases यार, don't ever fall in that category guys, please, ये मेरी, अगर यार, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, कि ये चीज़ अगर मेरी तुम मान लोगे ना यार, you will always be happy, fall down, there is no problem, fall pick yourself up again. It's completely fine to fall down. कोई जिंदगी में बिना गिरे आगे नहीं बढ़ा. It's completely fine. Be happy who you are. अपने लिए बोलो अच्छा. I can do it. ये affirmations बोलते हैं इसे. अपने आप को जो मैं रिपीटिंग इट अगेन एंड प्लीज ध्यान से सुनो, जो आप अपने लिए बोलोगे यू विल बी दैट गाय ओनली, जो अपने लिए बोलोगे वो ही बनोगे. यू से आई एम डम्प यू विल बी डम्प, यू से आई एम ए फेलियर यू विल बी अ फेलियर, यू से एनीथिंग यू से आई एम होपलेस यू विल बी होपलेस. से गुड थिंग्स अबाउट यू, से नाइस थिंग्स अबाउट यू, से थिंग्स जो तुम्हारे लिए पॉजिटिविटी देता है. राइट एफर्मेशंस, बस वी आर वाइंडिंग अप. आई जस्ट वॉन्ट, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एफर्मेशंस. एफर्मेशंस क्या होते हैं, जो तुम अपने लिए रोज बोलते हो वो है एफर्मेशन. आई वॉन्ट यू गाइस टू अपने कॉपी पेन में कुछ 5 चीजें ऐसे बोलो जो तुम अपने लिए रोज बोलो. इट कैन बी 5, इट कैन बी 10. आई एम ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई विल रॉक, आई लव माई पेरेंट्स, आई विल हैव ए ग्रेट फ्यूचर, I'm a rock star. I will be good in sports. Write good things about it. Write please, everyone. This is affirmation. ये तुम्हें रोज बोलना है अपने आप को. And उसके बाद discuss करेंगे किसने क्या लिखा है अपने लिए. And this is very important, you know, thing to do. Don't do anything else. अभी यहाँ पे रहो please. जो मैं बोल रहा हूँ कि क्या लिखा अपने लिए क्या बोलना है. Please write. Write 5-10 things about yourself. जो तुम बोलोगे अपने आप को और जो बोलोगे अपने आप को रोज बोलोगे. सिर्फ 1 मिनट लगेगा रोज अपने आप को ये चीज बोलने में, एक चीज बोलने में. एंड बिलीव मी यू विल रॉक. कुछ भी बोलो अपने लिए, अपने बारे में कुछ भी अच्छी चीज बोलो. आई एम गुड इन स्टडीज, आई एम ए ग्रेट सन, I am great in sports. कुछ भी अपने लिए कुछ भी लिखो ऐसा, जो लिखोगे वो ही होगा. आई विल हैव ए ग्रेट फ्यूचर, आई विल रॉक इन स्टडीज. कुछ भी. आई विल हैव ए ग्रेट गर्लफ्रेंड. कुछ भी. यस, नहीं तुम भी लिखो. आई विल हैव ए ग्रेट बॉयफ्रेंड, उसमें क्या है. तुम क्यों शर्मा रही हो, लिखो. कोई लड़कों कोई दूसरी लड़कियों की बड़ी होती है भाई, क्यों है ना. लिखो, आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल डू दिस, मैं घूमूंगा. कुछ भी मैंने अपने एफर्मेशन में लिखा था, बहुत साल पहले कि मैं ना कम से कम ना आई विल ट्रैवल. मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है. आई विल ट्रैवल अ कंट्री एट लीस्ट आफ्टर माई स्कूलिंग. ये मैंने लिखा था अपनी एफर्मेशन में. मैं पर्सनली 25 कंट्री से ऊपर घूम चुका हूँ और मैं हर साल एक बार नहीं दो बार जाता हूँ, चाहे वो फैमिली के साथ जाता हूँ, चाहे मैं अकेले जाता हूँ. आई नीड माई टाइम माई सेल्फ. मैं अकेले के साथ जाता हूँ, दोस्तों के साथ जाता हूँ. एफर्मेशन है मेरी, आई विल ट्रैवल टू अ न्यू कंट्री एवरी ईयर टिल आई डाई. और ये मेरे साथ हुआ है, मैं हर साल जाता हूँ. द पीपल हु नोज मी नो इट. आई ट्रेवल अलॉट एंड आई थिंक ट्रेवलिंग इज द बेस्ट थिंग यू नो कैन हैपन टू यू. एफर्मेशन इट कैन बी डू, इट कैन यू नो कुछ भी लिखो जो तुम्हें लगता है कि अच्छा. आई विल बी अ ग्रेट सिंगर, आई विल बी अ ग्रेट डांसर, कुछ भी. आई नीड सम पीपल हु टू शेयर दैट, जिसने लिखा है प्लीज कुछ कोई बोलो शेयर क्या लिखा है बताओ.
बोलो कॉन्फिडेंटली, बोलो क्या हो गया, क्या लिखा, बोलो बोलो. यस Yeah, wow. Give a clap, please. Please, yes, yes. Great. I have a great personality. Yes. Wow, great, great, great. Oh, bolo, oh, bolo. Share, share. Bolo. Confidence se bolo, yaar, bolo. Say, say anything. Oh, you say. Kya likha? Jo bhi likha, ek cheez bol. Bol. I love food and my crush. Sorry, aag khade hoke bol. I love food and my crush. I love food than my crush. I love food than my crush. Give me my hand. Oh! Wow, 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 wow. Bolo, bolo, bolo. Kya likha hai? Bolo, bolo. I will never drink. I will never drink. Good, great. I will never drink. Yes, yes. Kya likha hai? Aapne kya likha? Bolo. Bolo. I'll surely have a great future. You will have a great future. Clap, clap. Great, great. You tell what you're doing. I am a beautiful girl. You are a beautiful girl. You, what are you bringing? I will never be influenced by other people. She will never be influenced by other people. Great, great. I will do great things with great confidence. She will do great things with great confidence. Good. You tell. I will be great dancer. Oh, wow. She will be great dancer. Great. अपने लाइफ में यार एक मिनट निकाल के ना यार, कल से जो चीजें मैंने बोली है ना, अगर वो कर लोगे ना यार, मुझे मिल लेना कभी भी, एक साल बाद, छह महीने बाद, दो साल बाद मेरा नंबर ले लेना. यू विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट गाय, यू विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट गर्ल, बिलीव मी. जो मैंने बोला कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि कोई ज्ञान ऐसा नहीं दिया कि जो नहीं होगा, वो चीजें किए जो तुमने डेली डेली रूटीन में करनी है बस, राइट, और कुछ नहीं. ठीक है, से यस. कैसे यस, कैसे बोलो भाई, से यस. से यस. से यस. वाओ. सो दिस इज, आई एम गोइंग लाइक राइट नाउ. राइट गाइस, थैंक यू वेरी मच. आई हैड अ ग्रेट सेशन विद यू गाइस. लव यू अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट 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 फ्यूचर इन लाइफ. एंड थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Thank you.